गोगावां बीआरसी भवन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण। गोगावां बीआरसी भवन में महिला बाल विकास एवं शिक्षा विभाग द्वारा 46 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। जिस गांव में आंगनवाड़ी विद्यालय परिसर में लगती है, ऐसे ही 46 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आज प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में ईसीई खेलकूद एवं बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने पर प्रशिक्षण दिया गया। एमटी चांदनी दशोरे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण 5 दिन तक दिया जाएगा, जिसमें 46 कार्यकर्ता उपस्थित हुए। महिला बाल विकास के अंतर्गत यहाँ पर ईसीई का प्रशिक्षण गोगावां विकास खंड में दिया जा रहा है। मैं श्रीमती चांदनी दशोरे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। मैं यहाँ पर प्रशिक्षण 5 दिन का देने के लिए यहाँ पर एमटी के रूप में चयनित की गई हूँ। आरएसके भोपाल से मुझे 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई है, जिसे मैं यहाँ पर हर महीने 5-5 दिन ट्रेनिंग दूंगी। ईसीई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ हर क्षेत्र में परिपक्व हो, एजुकेशन से इसको जोड़े, शिक्षा के क्षेत्र में इस ट्रेनिंग पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि हम शिक्षा बच्चों तक किस तरह पहुँचाएँ, शिक्षा बच्चों को कैसे जुड़ना चाहिए। ईसीई का महत्व इसमें पूरा बताया गया है, ये क्या है, प्रोग्राम कैसा है, इससे बच्चों को हम किस तरह जोड़ेंगे और बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेगा और वो कैसे कुछ आगे सीखेगा, इसकी सारी जानकारी हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ पूरे विकासखंड से आई हुई है, सारे संकुलों से। हमारे पास संख्या है कम से कम 46। महिला बाल विकास की ओर से यहाँ पर ऐसे ही कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिनके आंगनवाड़ी केंद्र स्कूल परिसर के पास में है या स्कूल परिसर में है। ऐसी कार्यकर्ताओं को चयनित करके यहाँ पर 46 कार्यकर्ताओं को का ट्रेनिंग दी जा रही है, जो 5 दिन तक, 1 तारीख से 5 तारीख तक लगातार चलेगी और प्रति माह 3 माह तक दी जाएगी। इसमें बच्चों को खेल खेल में किस तरह से प्रेरित करना और स्कूल जाने के लिए तैयार करना, इसके संदर्भ में ये ट्रेनिंग दी जा रही है। खेल खेल में अनौपचारिक शिक्षा देना और उनको बालिका अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को मोटिवेट करे और खुशनुमा माहौल में अपने एजुकेशन दे सके, इसलिए ये ट्रेनिंग दी जा रही है। साधना शर्मा, प्रभारी CDPO। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट, गोगावां। मार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज़ डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।